हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का 9th लेक्चर देखेंगे। इस वीडियो में आपको जो है बताएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, और आपको हेनरी लॉ समझाएंगे, पूरा कंसेप्चुअल पूरा एक्सप्लेन करेंगे और उसका एप्लीकेशन बताएंगे। एंड हेनरी लॉ पर डिपेंड न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, सारे न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा। तो बच्चों कंसंट्रेट हो जाइए, पूरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान करके चलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन निश्चित ही आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप कंसंट्रेट हो जाइए, कॉपी और पेन लीजिए और हम लोग कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का 9th लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से गैस सॉल्यूट किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है। जैसे मान लेते हैं एक कंटेनर मैं लेता हूं, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर मैं लिक्विड भर देता हूं, लिक्विड अगर है इस कंटेनर में, इस कंटेनर में अगर लिक्विड है, अब अगर कोई भी गैस इसमें सॉल्यूबल किया जाए तो इन पर कई फैक्टर अफेक्ट डालता है। इस गैस की सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में कम होगा कि ज्यादा होगा, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर इस पर अफेक्ट डालेंगे। जैसे इस गैस का नेचर क्या है, इस सॉल्वेंट यानी लिक्विड का नेचर क्या है, इस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सबको डिटेल्स में मैं बारी बारी करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो बच्चों फर्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस मतलब ये गैस लिक्विड में सॉल्यूबल है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। मान लेते हैं कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट है, अगर कोई सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा तो बन रहा है सॉल्यूशन। चलो मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। तो अब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है उसके नेचर पर। मान लेते हैं हमारा जो सॉल्यूट है वो अगर पोलर है और सॉल्वेंट यानी लिक्विड वो भी पोलर है, तो अगर पोलर पोलर को मिक्स करेंगे इसका मतलब सॉल्यूबल है, मिक्स हो जाएगा। मतलब गैस अगर पोलर है और लिक्विड भी अगर पोलर है तो आसानी से मिक्स हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा लिक्विड में। मान लेते हैं अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्यूट और प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी लिक्विड है, तो नॉन पोलर भी आपस में मिल जाएंगे, सॉल्यूबल है। अगर नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिक्स किया जाए तो मिक्सिबल है, सॉल्यूबल है, सॉल्युबिलिटी होगा, ये ज्यादा होगा। लेकिन अगर पोलर सॉल्यूट ले लिया जाए और नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिलाया जाए तो सॉल्यूबल नहीं है, और अगर नॉन पोलर पोलर में मिला दें तब भी सॉल्यूबल नहीं है। तो आपको बताया गया है लाइक डिजॉल्व लाइक, आपने 9th में ही पढ़ा हुआ है लाइक डिजॉल्व डिजॉल्व लाइक, मतलब जिस टाइप का सॉल्वेंट है उसी टाइप का सॉल्यूट उसमें मिक्स होगा, तो लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे HCl गैस है, HCl गैस अगर ले लेते हैं, तो HCl गैस अगर मैं ले लेता हूं HCl, तो यहां Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के वजह से Cl पर हो जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और मैं अब इसको वाटर में डिजॉल्व कर रहा हूं, देखता हूं वाटर में सॉल्यूबल है कि नहीं, तो HCl अब यहां पोलैरिटी जनरेट हो रहा, पोलैरिटी मतलब पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अगर जनरेट हो, इसका मतलब पोलैरिटी जनरेट हो रहा है।
और यहां भी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस क्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव इस हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा और HCl गैस वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो ये HCl गैस वाटर में सॉल्यूबल है, लेकिन अगर N2 गैस ले लें, अगर हम O2 गैस ले लें, अगर हम H2 गैस ले लें, तो ये सभी नॉन पोलर गैस है। ये तो पोलर गैस है, ये पोलर गैस, और वाटर भी हमारा पोलर, तो पोलर पोलर मिल गया। लेकिन अगर नॉन पोलर गैस को मिला दिया जाए पोलर सॉल्वेंट में, तो क्या ये मिसबिल है? ये मिलेगा इसमें नहीं, ये मिसबिल नहीं है। तो ये सॉल्बिलिटी, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। पोलैरिटी अगर मतलब पोलर पोलर है तो मिक्स होगा, नॉन पोलर तब भी मिक्स होगा, लेकिन अगर एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है तो मिसबिल नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा बच्चों, अगला जो इफेक्ट लगेगा सॉल्युबिलिटी पर वो है टेम्परेचर। अगला इफेक्ट जो लगने वाला है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ेगा सॉल्युबिलिटी पर। सॉल्युबिलिटी पर कैसे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है ये समझिएगा। जैसे दो टाइप का प्रोसेस या रिएक्शन होता है, फॉर इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक थर्मोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है इंडोथर्मिक, अगर इंडोथर्मिक कोई भी प्रोसेस या रिएक्शन है तो वहां हीट एब्जॉर्ब होता है, यानी डेल्टा एच का वैल्यू होता है पॉजिटिव। ये आपको पता होना चाहिए और पता है भी। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब इंडोथर्मिक, मतलब वहां हीट एब्जॉर्ब होता है प्रोसेस होने के लिए। तो अगर ऑलरेडी वहां हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी, यानी दो कंपोनेंट आपस में मिक्स होना चाहेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर गैस और लिक्विड आपस में मिक्स हो रहे हैं, सॉल्यूट गैस या सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में अगर मिक्स हो रहा है और वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा। बात समझ में आया बच्चों? ऐसे फॉर एग्जोथर्मिक की अगर हम बात करें तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव, डेल्टा एच हो जाएगा निगेटिव। अगर निगेटिव डेल्टा एच, इसका मतलब वहां से हीट रिलीज हो रहा है, अगर हीट वहां से पहले से निकल रहा है, तो क्या हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड में डिजोल्व होगा? नहीं। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बच्चों घट जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यही आपको बार बार ध्यान देना है। डायरेक्ट कभी कभी यही लोग समझ बोल देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। कब घटता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस में घटता है, लेकिन अगर इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, कंडीशनल है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं। देखिएगा बच्चों, जैसे मान लेते हैं कोई लिक्विड अगर है, अगर कोई भी लिक्विड है और उसमें गैस मिलाया गया, तो मान लेते हैं सॉल्यूशन बन रहा है, मिक्स होगा, लिक्विड बनेगा उसमें मिक्स हो जाएगा, और अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और मैक्सिमम चांस होता है एक्सोथर्मिक का ही एग्जांपल आपके सामने आता है, इसलिए मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम स्टूडेंट यही जानते हैं कि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। तो मान लेते हैं कोई भी लिक्विड है, गैस अगर उसमें सॉल्युबल है, सॉल्यूशन बना, और एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है, तो इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा बच्चों, निगेटिव। डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, और डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस, अब ये डेल्टा एस है क्या, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी तो निगेटिव होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस बच्चों बोला जाता एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, एंट्रोपी, एंट्रोपी, और एंट्रोपी मीन्स होता है रैंडमनेस,
रैंडमनेस का मतलब होता है कि जैसे जितना ज्यादा बिखराव रहे, जितना ज्यादा इधर उधर रैंडमनेस में रहे मॉलिक्यूल या एटम, तो इसका मतलब उसकी एंट्रोपी उतना ज्यादा है। जैसे आप अगर इधर उधर बहुत ज्यादा मतलब रैंडमली क्लास में बैठ जाओ, इसका मतलब एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर एक लाइन से, एक रो से सारे लोग बैठो, इसका मतलब एंट्रोपी वहां कम है। तो एंट्रोपी, अब बताओ, गैस पहले ऐसे इधर उधर घूम रहा था, जब गैस इधर उधर घूम रहा था तो एंट्रोपी उसका ज्यादा था, रैंडमनेस ज्यादा था। लेकिन जब गैस लिक्विड में सॉल्यूबल हो गया तो वो उसका रैंडमनेस डिक्रीज हुआ, फ्रीनेस कम हुआ, इसका मतलब एंट्रोपी घटा, मतलब एंट्रोपी का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। बात समझ में आया? तो अगर कोई लिक्विड, लिक्विड में गैस अगर सोल्यूबल है तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस निगेटिव होगा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव, और एंट्रोपी भी क्या होगा बच्चों, निगेटिव। अब आप समझिएगा, मैं एक थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन बच्चों लिख रहा हूं, डेल्टा जी इक्वल टू, अगर डेल्टा जी का वैल्यू आ जाता है निगेटिव, डेल्टा जी क्या है, अब ये समझ लो आप, आपको डायरेक्ट ध्यान देना है, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया 11th में। डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है कि ऐसी एनर्जी जो हमें ये बताए कि कोई प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, मतलब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, जिस एनर्जी के द्वारा हमें पता चलता है उसे हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, उसे क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी अगर किसी भी प्रोसेस के लिए निगेटिव आया, इसका मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। वो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, मतलब अपने आप हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाना। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू आ जाए 0, इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब वहां इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा। जितना स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतने स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आ रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू अगर आ जाए पॉजिटिव, इसका मतलब जो प्रोसेस होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस क्या होगा बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब ये डेल्टा जी का वैल्यू हमें चेक कर लेना है कि क्या यहां निगेटिव होगा, कब यहां पॉजिटिव होगा। तो मैं यहां एक इक्वेशन लगा देता हूं बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का, क्या डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में ये है, और 12th में तुम्हें फिर इसको पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, वहां आपको यहां से न्यूमेरिकल भी आपको कराया जाएगा। तो आपको ऐसे इक्वेशन याद रखना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी। टी क्या है, टेम्परेचर। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी, चेंज एंट्रोपी। अब ये बताओ डेल्टा जी, अच्छा डेल्टा एच क्या है, निगेटिव, तो यहां अगर मैं निगेटिव रख दूं। डेल्टा एस क्या है, ये भी निगेटिव, तो यहां निगेटिव रखेंगे तो ये निगेटिव, डेल्टा एस निगेटिव और टी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टी डेल्टा एस। तो अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मतलब पॉजिटिव साइन बढ़ेगा, और अगर हम डेल्टा एच बढ़ाएंगे मतलब निगेटिव साइन बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें निगेटिव, अगर ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव बढ़ेगा, मतलब डेल्टा जी हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। और अगर निगेटिव साइन बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर पॉजिटिव के कंपेयर में निगेटिव ज्यादा है, इसका मतलब ओवरऑल निगेटिव साइन आएगा, यानी डेल्टा जी का वैल्यू हो जाएगा निगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बच्चों हमें करना क्या पड़ेगा, हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव साइन बढ़ेगा, डेल्टा जी आ जाएगा पॉजिटिव। टेम्परेचर हमें टेम्परेचर कम करना है, तो टेम्परेचर कम करोगे तो ये इसका वैल्यू घटेगा, इसका वैल्यू अगर घटेगा इसका मतलब निगेटिव साइन बढ़ेगा। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे इसका मतलब डेल्टा जी हो जाएगा निगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ बच्चे डेविएट हो गए होंगे, यार ये क्या आ गया बीच में, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। आपको दो पॉइंट बच्चों ध्यान देना है, टेम्परेचर फॉर जो इंडोथर्मिक डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव, टेम्परेचर इंक्रीज सॉलिबिलिटी इंक्रीज, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज सॉलिबिलिटी डिक्रीज। ये तो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दिया, आप नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए। अब अगला जो इफेक्ट बच्चों है प्रेशर का, हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं कि कैसे गैस पर प्रेशर जो है, कैसे सॉल्युबिलिटी आप गैस पर प्रेशर अफेक्ट डालते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिखिएगा आप लोग प्रेशर। प्रेशर अब देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहीं से हेनरी लॉ जनरेट होता है। तो प्रेशर आप समझ लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई कंटेनर अगर है, मान लेते हैं कोई कंटेनर है, अब इस कंटेनर में अगर लिक्विड भरा हुआ है, अगर इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और गैस आकर के इसमें सॉल्युबल होना चाहे, मिक्स होना चाहे, तो जितना ज्यादा प्रेशर ज्यादा लगेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इस गैस की सॉल्युबिलिटी 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 क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब अगर हमें प्रेशर बढ़ाएं इसका, अगर इस गैस मॉलिक्यूल पर अगर जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ये गैस मॉलिक्यूल इस लिक्विड में उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी, मतलब प्रेशर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा कब, जब प्रेशर आप उस गैस मॉलिक्यूल पर ज्यादा लगाओगे। हेनरी लॉ समझिए, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, हेनरी लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। हेनरी लॉ ने कहा, हेनरी ला ने कहा कि अगर गैस पार्टिकल्स को किसी भी लिक्विड में डिजोल्व किया जाए तो उस पर जितना ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा, उस गैस मॉलिक्यूल का सॉल्युबिलिटी उसमें उतना ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द, प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर हम लगाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में उतना ज्यादा। मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी उसका m है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। तो अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एम इक्वल टू हो जाएगा के, और पी के पी हो जाएगा, ये फार्मूला बना। अब यहां ये ध्यान देना है, अगर मान लेते हैं यम क्या है, सॉल्युबिलिटी, अगर यहां हम दो सॉल्युबिलिटी ले लें और दो प्रेशर ले लें, के क्या है, कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो अगर ये दो सब्सटेंस के लिए, दो कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो क्या इक्वेशन बनेगा, यम वन बाई एम टू इक्वल टू पी वन बाई पी टू, ये इक्वेशन बनेगा। अब यहां देखिए बच्चों, यम वन क्या है, सॉल्युबिलिटी, यम वन है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट पी वन, मतलब उस गैस की सॉल्युबिलिटी यम वन किस प्रेशर पर है, पी वन प्रेशर पर है। अब अगर पी टू प्रेशर करेंगे तो सॉल्युबिलिटी तो चेंज ही होगा, तो एम टू क्या है, ये भी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट पी टू प्रेशर,
बात समझ में आया बच्चों? तो ये एक मतलब नॉर्मल सी बात है, ये इस पर न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है, और मैं आगे बढ़ता हूं इसको और एक्सप्लेन करता हूं, यही हेनरी लॉ नहीं समाप्त होता बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कभी कभी यहां से आता है डायरेक्ट, ये आपको फार्मूला याद रखना है बच्चों, समझिएगा। हेनरी लॉ अगेन हम लोग समझते हैं, हेनरी लॉ, इन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं कोई कंटेनर ले लिया जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। मतलब एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और ये गैस पार्टिकल्स उसमें सॉल्यूबल होना चाह रहा है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो इन्होंने कहा कि इसमें जो मतलब लिक्विड है उसमें जो मोल फ्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब जितना ज्यादा इस गैस पर पार्शियल प्रेशर लगेगा, इस लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन यानी जो सब्सटेंस होगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो आप लिख लीजिए बच्चों, एक स्टेटमेंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर पी, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब एक से ज्यादा गैस है तो पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज करते हैं, अगर एक ही गैस है तो केवल प्रेशर आप बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। अब देखिए जो सॉल्युबिलिटी होता है वो कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी से भी रिप्रेजेंट करेंगे, और मोल फ्रैक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो सॉल्युबिलिटी होता है। लेकिन इन्होंने मोल फ्रैक्शन क्यों लिया? मोल फ्रैक्शन ऐसे अगर सोचा जाए तो मोल फ्रैक्शन केवल मोल के टर्म में बात होता है, मास के टर्म में बात होगा, और सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल है, इसलिए इन्होंने सोचा होगा कि अगर सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन में ले लिया जाए, और मतलब कोई और इसका रीजन नहीं है। बच्चों देखिए, पार्शियल प्रेशर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन यक्स, अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाया जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच और डॉट एक्स हो जाएगा। ये फार्मूला हमें मिला, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पर न्यूमेरिकल आपके यहां पूछा जाता है, और हेनरी लॉ अगर पूछा जाए तो पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, लेकिन आपको फॉलो करना है ज्यादातर सेकंड रूल को फॉलो करना है बच्चों। तो बच्चों प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है, ये आपको फार्मूला ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखिए पी ऑफ गैस क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर है उस गैस पर, पार्शियल प्रेशर कितना लग रहा है, के एच इज हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, एक्स इज मोल फ्रैक्शन, एक्स है मोल फ्रैक्शन। दो फार्मूला मैंने बताया, एक यम वन बाई यम टू डिवाइड बाई पी वन इक्वल टू पी वन डिवाइड बाई पी टू, यम वन बाई यम टू डिवाइड बाई इक्वल टू, सॉरी ये फार्मूला ध्यान देना, यम वन बाई एम टू इक्वल टू पी वन बाई पी टू, ये फार्मूला आपको ध्यान देना है। सेकंड फार्मूला ये, लेकिन दोनों में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा अगर एग्जाम में डायरेक्ट हेनरी लॉ आ रहा है तो आपको इसी को एक्सप्लेन करना है। देखिए अगेन अगेन
अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। तो अगर हम प्रेशर कांस्टेंट करते हैं, प्रेशर क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, तो आपको पता है पी इक्वल टू के एच डॉट एक्स। अगर प्रेशर कांस्टेंट किया जाए तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल के एच हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, यानी अगर के एच का वैल्यू ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा। मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब ये बताओ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के एच अगर इंक्रीज होगा इसका मतलब सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस इक्वेशन से पता चल रहा है, पता चल रहा ना। अब यहां सिग्निफिकेंस भी आप इसका बता सकते हो कि इसका वैल्यू अगर के एच का वैल्यू ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो लिख सकते हैं हायर हायर द वैल्यू ऑफ के एच, हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर द सॉल्युबिलिटी, लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ, लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ये सिग्निफिकेंस है, किसका सिग्निफिकेंस है, के एच का सिग्निफिकेंस है, महत्व तो उसका। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, ये आपको पता है। और अगर आप के एच बढ़ाते हो, के एच बढ़ाते हो, देखिए इधर, तब भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, तब भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। तो अगर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर भी बढ़ाने घट रहा, के एच भी बढ़ाने घट रहा सॉल्युबिलिटी, तो टेम्परेचर और के एच में क्या रिलेशन हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, के एच के। यानी अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो वैल्यू ऑफ के एच भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये रिलेशन आ गया, आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर पर के एच का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, के एच का वैल्यू भी बढ़ेगा। देखिए अगेन, पी इक्वल टू के एच डॉट एक्स, ये हेनरी लॉ है, आपको पता है। अगर इस इक्वेशन को मैं रिलेट करूं तो मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन आता है वाई इक्वल टू एम एक्स, इससे रिलेट हो रहा है, वाई पी है, एक्स मोल फ्रैक्शन ले लें। तो अगर इस पर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर इस पर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे ही तो बनेगा। इसको मैं मान लेता हूं वाई एक्सिस, इसको मान लेता हूं एक्स एक्सिस। तो वाई पर प्रेशर है, एक्स पर मोल फ्रैक्शन है, और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, प्लस सी यानी जीरो है, तो ओरिजिन यहां से है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा टेन थीटा, यानी क्या, यम इक्वल टू के एच, यानी स्लोप है यहाँ के एच। बात समझ में आया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी इस वीडियो में न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ना है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखिए, के एच इज डिपेंड ऑन, के एच किस किस पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड पर डिपेंड करेगा। तो इन सब फैक्टर पर के एच डिपेंड करता है। अब आगे हम लोग बच्चों एप्लीकेशन देखते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन दिखाई देता है। तो
अप्लीकेशन, अप्लीकेशन ऑफ हेनरी, हेनरी जिला, एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन सबसे पहली बात तो ये है, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो या सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हो या सोडा वाटर जो आप पीते हैं, उसमें जो कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो तो CO2, उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक भी उसे बोलते हैं, उसमें CO2 गैस प्रेशर बढ़ा करके उसमें भरा होता है। तो जैसे ढक्कन आप धीरे खोलते हो, जैसे आप ढक्कन खोलते हैं, वो तुरंत बुलबुले के रूप में बाहर गैस के रूप में निकलने लगता है, क्योंकि अंदर CO2 गैस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और जैसे ये CO2 बाहर निकलता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो ढक्कन के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा कंप्रेस करके गैस को इसमें सोल्यूबल किया गया है। तो यहां भी एग्जाम्पल हेनरी लॉ का ही फॉलो हो रहा है। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर, इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक द बॉटल बॉटल्ड इज सील्ड अंडर अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर। सेकेंड, आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं, जब अर्थ अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर ज्यादा ऊपर जाएंगे आप, जैसे नैनीताल शिमला अगर आप जाएंगे पहाड़ी एरिया में, तो अर्थ सरफेस के अबव जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो आपको क्या दिखेगा, वहां प्रेशर कम होगा। अर्थ सरफेस पर जाएंगे तो प्रेशर वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। तो प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ O2, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड क्या होगा बताइए, डिक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड डिक्रीज होगा, तो उतना ब्लड में O2 की सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाता जितना रिक्वायर्ड है, O2 गैस उतना ब्लड में हो नहीं पाएगा, तो वो दिक्कत हो जाता है, घबराहट होने लगता है, आदमी को दिक्कत होने लगता है। ऐसे ही अगर आप अर्थ सरफेस के नीचे चले जाइए, अर्थ सरफेस के नीचे बहुत ज्यादा चले जाइए, ब्लो सरफेस पर जाइए, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड इंक्रीज हो जाएगा, और बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा जब O2 ब्लड में सोल्यूबल हो जाता तब भी दिक्कत है, और जैसे सरफेस पर आएगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा, तब भी घबराहट, इरिटेशन, तमाम बीमारी होने लगता है। तो ये सब डॉक्टर लोग जानते हैं, सब पढ़ाया जाता है, इसलिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है मेडिसिन एरिया में भी, मेडिकल फील्ड में भी केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। बच्चों, अभी तक पूरा थ्योरी मैं आपको बताया, अप्लीकेशन बताया, हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेनरी लॉ का डिफिनेशन पता होना चाहिए, और एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH.मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इस पर हम लोग न्यूमेरिकल वन बाय वन करते हैं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल हेनरी लॉ पर है। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है, इन आयन एक्सपेरिमेंट 27 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ एसीटोन एट 1 ATM प्रेशर। अगर 27 ग्राम एसिटिलीन 1 लीटर एसीटोन में 1 एटमोस्फियर प्रेशर पर डिजॉल्व किया जा रहा है, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एसिटिलीन इज इंक्रीज टू 12 ATM, व्हाट
व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिबिलिटी इन एसीटोन, तो सॉलिबिलिटी बताइए। अच्छा देखिए, 27 ग्राम 1 एटीएम प्रेशर पर डिजॉल्व हो रहा है, तो कितना ग्राम, कितना मतलब सॉलिबिलिटी होगा उसका, सॉलिबिलिटी कितना होगा जब प्रेशर 12 एटीएम कर दिया जाए। जब 1 एटीएम प्रेशर था तो 27 ग्राम एसीटोन डिजॉल्व हो रहा था, कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो जब 12 एटीएम हो जाएगा तो कितनी सॉलिबिलिटी होगा, मतलब कितना ग्राम डिजॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। अच्छा ये बताओ, M1 दिया है कितना, 27 ग्राम पर लीटर। M2 हमसे पूछा जा रहा है, P1 दिया है कितना, 1 एटीएम। P2 भी दिया है, कितना हो गया, 12 एटीएम। यही तो है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी ला क्या कहता है हेनरी ला, M1 डिवाइड बाई M2 इक्वल टू P1 बाई P2। M1 कितना है बच्चों, 27, M2 निकालना है, P1 क्या है, 1, P2 कितना, 12। तो आप यहां से सॉल्व करके M2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, M2 27 इंटू 12, और सॉल्व करोगे तो 324 ग्राम पर लीटर, ये आ जाएगा M2। तो न्यूमेरिकल वो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, फर्स्ट लॉ जो मैंने हेनरी लॉ बताया था उसी पर न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल बच्चों हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। बच्चों अगला न्यूमेरिकल है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ CH4 मीथेन इन बेंजीन एट 298 इज 4.27 इंटू 10^5 mm Hg। कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इन C6H6 यानी बेंजीन एट 298 अंडर 760 mm Hg। अब बच्चों जो पहले दिया है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं, प्रेशर कितना दिया है, 760। तो प्रेशर P इक्वल टू 760 mm Hg। उसके बाद बताइए KH कितना दिया है, KH इक्वल टू दे दिया है 4.27 इंटू 10^5 mm Hg, ये भी दे दिया है और ये भी दे दिया है। अच्छा अब डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए, आपसे पूछा जा रहा मोल फ्रैक्शन बताओ, तो फार्मूला अगर आप लगाओगे बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही फार्मूला है। तो प्रेशर दिया है 760 इक्वल टू 4.27 इंटू 10^5 इंटू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हम यहां से सॉल्व कर लेंगे, 760 डिवाइड बाई 4.27 इंटू 10^5। तो इसको बच्चा लोग जब आप सॉल्व करोगे तो 177.9 इंटू 10^-5 ये आंसर आ जाएगा। और ये किसका, गैस क्या है, CH4, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 हम यहाँ निकाल लिए। तो आसान सा न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बच्चों, CBSE 2013 में आ चुका है। अगला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं जो CBSE बोर्ड में आ चुका है, लिखिएगा अगला न्यूमेरिकल बच्चों है, देखिए हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन H2O इज 1.67 इंटू 10^8 पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर यानी वाटर दिया है 500 ml व्हेन पैक्ड अंडर 2.53 इंटू 10^5 पास्कल एट 298 केल्विन। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले आपको ये लिखना चाहिए। तो KH दे दिया है, KH क्या होगा, KH दिया है बच्चों यहां लिखिएगा 1.67 इंटू 10^8 पास्कल, KH दे दिया।
प्रेशर दिया है, प्रेशर इक्वल टू 2.53 इंटू 10^5 पास्कल, पी भी दिया है। अब अगर आप इक्वेशन लगाइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच डॉट मोल फ्रैक्शन, यही तो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सीओ टू निकालेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, मोल हमें निकालना है तो हमें मोल फ्रैक्शन पता होगा तभी तो निकाल पाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन होगा पी डिवाइड बाई के एच, तो पी तो दिया ही है, 2.53 इंटू 10^5 डिवाइड कर दो, पास्कल है, डिवाइड कर दो के एच, के एच का वैल्यू दिया है 1.67 इंटू 10^8 पास्कल। तो इसको जब बच्चों सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 1.57 इंटू 10^3, और ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सीओ टू। हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सीओ टू, तो आपको पता है क्या पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सीओ टू इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सीओ टू डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सीओ टू प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, ये आपको इक्वेशन पता है। तो बच्चों ये बताइए, डेंसिटी ऑफ H2O ले सकते हैं 1 ग्राम पर ml, और 500 ml है, इसका मतलब 500 ml H2O कंटेन 500 ग्राम H2O, इसका मतलब WB दे दिया है कितना, 500 ग्राम। तो हम NB निकाल लें, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकाल लें, तो वेट ऑफ H2O 500 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 18। जब सॉल्व करोगे बच्चों तो आ जाएगा 27.77, ये मोल आ गया। तो मोल ऑफ CO2 यानी सॉल्वेंट हमें निकालना है, CO2 का मोल हमें निकालना है, सॉरी सॉल्यूट है, CO2 सॉल्यूट का मोल हमें निकालना है, और सॉल्वेंट का मोल हमें मिल गया, और मोल फ्रैक्शन हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आगे बढ़िए, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, CXCO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, ये हम निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 हमें निकालना है। तो कंडीशन यहां लगा दो ना, आपको पता है चूंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, इसका मतलब हम इसके मोल को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। अब ये बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 हम कर सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू या डॉट नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, यही तो होगा। तो इसका कितना आया था, इसका तो आपको पता ही है, 1.15 अप्रोक्सीमेट आया था, 1.5 इंटू 10^-3 इंटू इसका मोल कितना आया था, 27.77 अप्रोक्सीमेट। तो इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 आ जाएगा बच्चों 0.042, इतना मोल अप्रोक्सीमेट। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी है, और ये क्वेश्चन आया है 2017 में भी आया है, सीबीएसई बोर्ड 2017 का भी ये क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक बार देखिए सीरियसली, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें दम है नहीं। अगला न्यूमेरिकल हम लोग बच्चों ट्राई करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों एनसीईआरटी का, देखिएगा, H2S इज टॉक्सिक गैस विथ रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, एसिड बेसिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं, एसिडिक रेडिकल के टेस्ट में आता है सल्फाइड आयन का टेस्ट जब करते हैं। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलल है, स्मालियम, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी KH हमें कैलकुलेट करना है।
तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले क्वेश्चन आप समझिए। यहां दिया है एसटीपी, एसटीपी दिया है। एसटीपी का मतलब क्या हुआ? एसटीपी, एसटीपी का मतलब हुआ वन बार, वन बार। अगर मान लेते हैं एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर है तो प्रेशर मान लेते हैं वन बार, या वन बार, या एग्जैक्ट अगर आपको मानना है तो 0.987 बार भी आप मान सकते हैं प्रेशर। ये ध्यान देना, एसटीपी दिया है तो प्रेशर ऑलरेडी हमें दे दिया है। अब 0.195 मोलल मींस क्या होता है? मींस 0.195 मोल ऑफ H2S प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ H2O। इसका मतलब यही तो हुआ, 0.195 मोल ऑफ H2S प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ H2O। H2O है क्या? यहां सॉल्वेंट है, यही तो हम लोग मोलैलिटी में पढ़े थे। तो इसका मतलब ये हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S दे दिया है कितना, 0.195, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है कितना, 1000 ग्राम, ये भी दे दिया है। तो इसका मतलब अगर हम मोल निकालें, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकालें, तो 1000 / 18 = 55.55। मतलब सॉल्यूट का भी मोल, H2S का भी मोल हमें पता चल गया, सॉल्वेंट का भी मोल हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल टू निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। ये तो मोल फ्रैक्शन है, H2S का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। तो H2S का मोल हमें पता है कितना, 0.195 डिवाइड बाय 0.195 और प्लस 55.55, और सॉल्व करोगे बच्चों तो 0.0035, ये मोल फ्रैक्शन आ गया, 0.0035 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आ गया। तो हमसे पूछा जा रहा हेनरी लॉ कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन हमें पता चल गया, प्रेशर दिया है, तो केएस तो आसानी से आ जाएगा। तो आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, प्रेशर ऑफ H2S इक्वल टू के एच डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, यही तो बनेगा फार्मूला। तो के एच इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर डिवाइड बाई एक्स H2S। तो सॉल्व कर लो, प्रेशर कितना दिया है, 0.0987 डिवाइड बाई 0.0035, और इसको बच्चा लोग सॉल्व करोगे तो 282 बार आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था बच्चों। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। अब कल आपको पढ़ाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा मैं एक आर्डर में सारा कॉन्सेप्ट कराऊंगा। तो बच्चों कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके।